पेट शॉप के अंदर बहुत से प्यारे प्यारे जानवर रखे हुए हैं। उन्हीं में से एक ये बेचारा बदनसीब चूहा भी होता है। जब भी कस्टमर दुकान में आता तो ये बेचारा चूहा हमेशा एहसास में खुश हो जाता है कि आज तो मुझको कोई खरीद ही लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और बेचारा चूहा हमेशा की तरह आज भी उदास हो जाता है। जब कोई बच्चा इसको देखता है तो उसका दिल जीतने के लिए ये काफी कोशिश करता है, लेकिन इसकी बदनसीबी के कारण उससे भी कोई बात नहीं बनती। फिर आखिरकार एक दिन इसको एक आदमी खरीद लेता है और चूहा उस दिन बहुत ज्यादा खुश होता है। अब आदमी चूहे को अपने घर लाता है और एक कमरे में छोड़ देता है। फिर चूहा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो इसको एक कैंचुली मिलती है और ये सोचता है कि शायद इसके मालिक ने इसके लिए कैंचुली लाकर रखी हुई है। फिर कैंचुली को अपने ऊपर ओढ़कर सो जाता है, लेकिन इस कमरे में उस कैंचुली का सांप भी होता है क्योंकि वो आदमी चूहे को सांप के डिनर के लिए लाया था। आगे की कहानी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।